उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि आखिर कागजों पर विकास कितना होता है और उसकी सच्चाई कितनी है। बढ़ते आगे, बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में भी नकली शराब माफिया पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। रांची उत्पाद विभाग की टीम ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक अवैध मिनी शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया। देखिए रिपोर्ट। की टीम ने रांची के सुखदेव नगर में फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल कर शराब के अवैध कारोबार करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक फर्जी आर्मी का जवान भी निकला। मतलब दूसरे का फोटो में हमको लग रहा है कि फोटोशॉप किया हुआ लड़का है, वो फोटोशॉप कर दिया है उसको, दूसरे का फोटो पे अपना चेहरा डाल के बनाया हुआ है। हम लोग अभी सेना पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसकी जांच करवा रहे हैं कि वो सही है कि गलत है। शराब माफिया बिहार चुनाव को देखते हुए अवैध नकली शराब बिहार भेजने में जुटे हैं। छापेमारी में 19 पेटी अवैध नकली शराब, खाली बोतल, ढक्कन और रैपर बरामद किया गया, जहां से 19 पेटी नकली विदेशी शराब बरामद किया गया है। उसके साथ शराब बनाने का उपकरण, रैपर, ढक्कन, नकली असंजक, ये सभी, खाली बोतल, ये सब बरामद किया गया है वहां से, और उनको जुडिशियल कस्टडी में कल भेजा जाएगा। शराब के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ उत्पाद विभाग लगातार अभियान चला रही है और आगे भी नकली नाम पते और पहचान छिपाकर अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।